नमस्कार तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और तुला राशि वालों, धन के मालिक भगवान कुबेर महाराज जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप सभी के ऊपर अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना ताकि सभी का जीवन खुशहाल रहे। प्रभु, हमारी आपसे बस इतना ही अनुरोध है। तुला राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज दोपहर तकरीबन 2:30 बजे के बाद आप सभी के कुंडली में एक ऐसा योग बनने जा रही है जिससे कि तुला राशि वालों, आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। जी हाँ, एक प्रकार से यूं कहें तो तुला राशि वालों, पैसों में डूब जाओगे आप। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों, धन के मालिक भगवान कुबेर महाराज जी आपको बिठाएंगे पैसों के राजगद्दी पर। जी हाँ, जिससे कि दोस्तों, आज आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा। मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, भगवान कुबेर महाराज जी का ऐसा शुभ संकेत, ऐसा चमत्कार आपने पहले नहीं देखा होगा। जी हाँ, यह शुभ संकेत आपको राजा बना देंगे। जी हाँ, आपको करोड़पति बना देंगे। बता दें, आज दोपहर 2:30 बजे के बाद बहुत सालों बाद जाकर इस शुभ संयोग का निर्माण हुआ है। जो लोग अपने जीवन काल से परेशान होकर हार मान चुके थे, उन्हें लगता था कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, भगवान मेरी परेशानियों को देखता नहीं है, मेरी परेशानियों को कम नहीं करता है, तो मित्रों, ऐसे लोग हो जाइए सावधान। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों, अब आप सभी के जीवन काल में ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा जादू चलेगा जो कि दोस्तों, आपका पूरा जीवन ही बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी आपकी किस्मत को हीरे की तरह चमकाने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन उसके लिए आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, आपको सही समय पर सही से डिसीजन लेना होगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। भगवान हमें जब भी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। जी हाँ, ठीक ऐसा ही आज आपके जीवन में छप्पड़ फाड़ धन दौलत की बारिश होने वाली है। चारों दिशाओं से पैसा ही पैसा मिलेगा और चारों दिशाओं से लाभ ही लाभ होगा। बस अपने दिल और दिमाग को शांत रखकर इस वीडियो को अंत तक देखना। आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे सफलता के राज बताएंगे जिन्हें जानकर सच में आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज की संपूर्ण वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। बस थोड़ा सा समय दीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले भगवान कुबेर महाराज जी के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय कुबेर महाराज, जय कुबेर महाराज, जय कुबेर महाराज लिखेगा, उन्हें भगवान कुबेर महाराज जी का तुरंत आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में धन दौलत की बारिश होती रहेगी। तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं। तुला राशि वालों, आज दोपहर 2:30 बजे के बाद आपकी किस्मत बदलेगी, आपका भाग्य पलटेगा। जी हाँ, आपको नए नए क्षेत्रों से धन लाभ होगा, क्योंकि दोस्तों, आज धन के इनकम में काफी अच्छी रहेगी, लेकिन धन आने के साथ साथ खर्च भी बढ़ेंगे। आपको फिजूल खर्चों पर लगाम लगानी होगी और जरूरत भर ही पैसे खर्च करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जी हाँ, संगीत, साहित्य, कला आदि से संबंधित कार्यों में आज विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज के दिन नौकरी में आपकी तरक्की की संभावनाएं बन रही है, आप थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो दोस्तों, आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिएगा, कोई भी काम करने से पहले उसकी रूपरेखा अच्छी तरीके से बना लें, सही से डिसीजन ले लें कि किस समय में कौन से काम करने हैं, उसका एक
शेड्यूल बना लें, इससे आपको जल्दी सफलता मिलेगी और आप सभी कामों को समय पर खत्म कर पाएंगे। जी हाँ, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों, आज आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा और विरोधियों से आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि दोस्तों वो आपको नुकसान पहुंचाने की भरसक प्रयास करेगा। जी हाँ, क्योंकि उनके मन में आपके प्रति जलन पैदा हो रही है, वो आज आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ, कैरियर को लेकर यदि आप परेशान चल रहे थे, तो वह खत्म होगी। आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आज आपको समस्या हो सकती है। जी हाँ, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपका कोई पुराना लेन देन आपके लिए सिरदर्द बनेगा। जी हाँ, इसलिए दोस्तों, पुराने लेन देन को आप चुकता कर लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं, जिससे आप दोनों में खुशियां बरकरार बनी रहेगी। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगने से माहौल काफी खुशनुमा रहेगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य काफी व्यस्त रहेंगे। आपको बाहर के खान पान से परहेज करना होगा, नहीं तो मौसमी बीमारी आज आपको अपनी चपेट में ले सकता है और आपको परेशान कर सकता है। आपको यदि कोई लाभ का सौदा मिले तो उसे जाने मत दीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है। जी हाँ, आय तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आय के साथ साथ खर्च भी बने रहेंगे। आप अपने बढ़ते खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे और आपका कोई प्रिय मित्र आज आपको धोखा दे सकता है। जी हाँ, जिसकी आपको उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इसलिए दोस्तों, आज आप आंख मूंद कर किसी के ऊपर भरोसा ना करें, नहीं तो दिक्कत होगा। संतान की शिक्षा से संबंधित किसी काम को लेकर आप छोटी दूरी यात्रा जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। जी हाँ, कार्य क्षेत्र में आपको अकस्मात लाभ मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ, कोई आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए दोस्तों आप सावधानी बरतें। आपका कोई पुराना लेन देन आपके लिए सिरदर्द बन सकता है, जिससे आपको समय रहते पूरा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कहीं पर पैसा फंसा हुआ था तो वहां से भी आपको अच्छी खबर मिलेगी, और अगर आप नौकरी के लिए कहीं पर आवेदन किए थे तो वहां से भी आपको बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए समय तो बहुत ही अच्छा है। जिन विद्यार्थियों ने कहीं पर एग्जाम वगैरह दिया था, कोई फॉर्म वगैरह भरा था, तो वहां से भी गुड न्यूज उन्हें मिलेगी। जी हाँ, और जो विद्यार्थी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो दिल खोल कर मेहनत करें, क्योंकि उस मेहनत के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। इसलिए जितोड़ मेहनत करें। जी हाँ दोस्तों, तभी आपको आने वाले समय में जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लव लाइफ यानी कि प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं रहेगा और उतना खराब भी नहीं रहेगा, मिला जुला कर ठीक ठाक रहेगा। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं आज आपके अंदर भाईचारे की भावना बढ़ेगी और भाई बंधुओं से जो है अभी कुछ दूरियां बढ़ गई थी तो वह भी दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो वो आसानी से पूरा होता हुआ दिख रहा है। सामाजिक गतिविधियों में आपका पूरा योगदान रहेगा। जी हाँ दोस्तों, घर परिवार में चल रही अनबन को लेकर आज आपसे जो है बातचीत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस में कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत पछताना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों,
इसलिए दोस्तों आज आप कोई भी फैसला ले रहे हैं तो सोच समझ कर ही लीजिएगा और अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मिल बैठकर सलाह मशवरा लेकर ही लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए समय जो है खुशनुमा रहने वाला है। जी हाँ, आधुनिक संसाधनों को जुटाने पर आपका पूरा जोर रहेगा और परिवार में किसी अतिथि का आगमन होने से कार्यक्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और जो है जोश की भावना आज आपके अंदर बनी रहेगी। घर परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा। बड़ों की सलाह पर चलेंगे तो आप आसानी से सारी मुश्किलें से बाहर निकल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ससुराल पक्ष की ओर से आपको आज कोई खास बात सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सितारे कहते हैं कि ससुराल पक्ष की ओर से आज आपको धन लाभ भी हो सकता है। जी हाँ, जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों को आज के दिन आप अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, कला कौशल से आप आगे बढ़ेंगे। दिनचर्या में यदि कोई बदलाव किया तो कोई नुकसान आज हो सकता है। विभिन्न कार्यों में सहज बने रहेंगे। घर परिवार में आपके रिश्ते सुधरेंगे और परिजनों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। व्यापार में आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। आपकी काफ़ी मुश्किलें आज हल होंगी। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी बड़ी योजना में धन लगा सकते हैं जिसमें आपको लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, भले आपको अभी लाभ दिखाई ना दे लेकिन आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर लापरवाही करते हैं कार्यक्षेत्र में तो आज आपको बड़ी मात्रा में नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने कामों की सूची बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी काम कर रहे हैं तो प्लानिंग के साथ आप काम करें कि कौन सा काम करना आपके लिए बेटर रहेगा और कौन सा काम करना आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। इस बात पर ज़रूर ध्यान दें, ज़रूर फोकस करें। किसी कानूनी मामले में आप अपने कामों पर पूरी निगरानी बनाकर रखें, नहीं तो बाद में कोई समस्या खड़ी हो सकती है। जी हाँ, समाज और परिवार के प्रति आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। निवेश संबंधित मामलों में आज आपको नियंत्रण बनाए रखना होगा। जी हाँ, और आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं उन लोगों के लिए समय आज का दिन बहुत ही अच्छा है। उन्हें नौकरी मिल सकता है, कहीं पर जॉब लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से कोई ऑफर आ सकता है, उसके लिए भी आज आप तैयार रहें और अपने मेल को, फ़ोन को नज़रअंदाज ना करें, बार बार चेक करते रहें क्योंकि फ़ोन के जरिए ही आपको जो है खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सितारे हमें कहते हैं कि आज इस राशि वाले जातकों को लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस शुभ समय का जरूर लाभ उठाएं। सितारे कहते हैं आज के दिन आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। जी हाँ, यानी कि आपको आज धन कमाने के नए नए रास्ते दिखाई देंगे और आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं आज गति पकड़ेंगी जिसमें अच्छा धन कमाने में भी कामयाब रहेंगे और रुका हुआ काम आपका बनने वाला है। देखिए दोस्तों, यदि किसी काम को लेकर चिंता आपकी बनी हुई थी तो वो चिंता भी आज समाप्त होने वाली है। देखिए दोस्तों, सितारे कहती हैं कि आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है और आपकी आय में वृद्धि होगी और अपनी मनपसंद चीज़ों की खरीदारी पर पूरा खर्च करेंगे और परिवार के लोगों की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों बता दें, कारोबार में आपको मेहनत अधिक करनी होगी और अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाना होगा।
प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकती हैं। जी हाँ, और आपको किसी नए शाम की शुरुआत करना अच्छा लगेगा और इस समय आपको उसमें लाभ भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने निजी व प्रोफेशनल जीवन में तालमेल बिठाने में कामयाब रहेंगे, नहीं तो आपके घर या बाहर कहीं लोग आपसे नाराज हो सकती हैं। आपको व्यस्तता अधिक रहने के कारण अपने कुछ कामों को कल पर टालने की सोच सकती हैं। आपके स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही थी तो आपको उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, नहीं तो वह समस्या बाद में आपको कोई बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। आपको आर्थिक क्षेत्र में अपने साथी के कामों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने अपने जूनियर्स के कामों पर ध्यान नहीं दिया है तो आपसे कोई गलती हो सकता है, तो उसमें सावधानी बरतें। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है। माता जी से आपकी किसी बात पर झड़प भी हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा और आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं आज गति पकड़ेंगी, जिसमें आप अच्छा धन कमाने में भी कामयाब रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे यह समय मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके कुछ खर्चे बढ़ने से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन दोस्तों परेशान होने की बजाय मन को शांत रखें। लेकिन किसी प्रेम से संबंधित मामले में आप दिल की जगह दिमाग की सुने, नहीं तो आपकी कोई जो है इच्छा अधूरी रह सकती है। आप अपने घर की मरम्मत आदि कराने में विचार विमर्श कर सकती हैं, जिसमें भी आप अच्छा जो है खासा धन लगाएंगे और आपको अपने किसी मित्र के साथ पिकनिक पर जाने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने कार्यों के लिए कोई उपहार मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए पूरे लगन से मेहनत से काम करें, सफलता आपको जरूर मिलेगा। दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहेगा। आप एक्स्ट्रा एनर्जी से भरपूर रहेंगी, जिसके कारण आप अपने भविष्य की योजनाओं पर भी ध्यान लगा सकती हैं। संतान के करियर को लेकर यदि कुछ समस्या थी तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है और काम के सिलसिले में आप छोटी दूरी यात्रा पर जा सकती हैं, जो आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। आपको अपने रुके हुए कामों को समय रहते पूरा करना होगा, नहीं तो बाद में आपको उनसे समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आज का दिन आपके लिए किसी जरूरी कार्य को करने में सावधानी बरतने के लिए भी रहेगा। जी हाँ, लापरवाही और आलसी करेंगे तो समस्या बढ़ सकती है। आपको नौकरी में मन मुताबिक काम मिलने से आप परेशान रहेंगे और यदि जीवन साथी से किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो आप उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको व्यापार की कुछ योजनाओं संबंधित आवश्यक जानकारी किसी के सामने लीक करना दिक्कत हो सकता है और लोग इसका फायदा भी उठा सकता है और आपको लेन देन से संबंधित कोई फैसला बहुत ही सावधानी से लेना होगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ, लापरवाही और आलसी करने से बचिएगा, बाकी समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा। भाग्य आपका 77% साथ दे रही है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। हाँ, क्योंकि किस्मत जब साथ देती है तो कई सारे काम यूं ही अपने आप बनने लग जाते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जोश में आकर होश नहीं खो बैठना है। जी हाँ, क्योंकि कई बार हम भावनाओं में भटक कर गलत फैसला ले लेती हैं जो कि आगे चलकर हमें दिक्कत होती है, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करनी है जिससे कि आगे चलकर हमें दिक्कत हो। क्योंकि जब भी आप फैसला लें, हमेशा परिस्थिति को देखकर फैसला लें, क्योंकि दुनिया को देखकर लिए गए फैसले हमेशा ही गलत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप ही जानते हैं, आपसे बेटर और कोई नहीं जान सकता। जी हाँ,
अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप संतान के कैरियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जो कि आगे चलकर आपको बहुत लाभदायक रहेगी। आपका कोई मित्र आज लंबे समय बाद आपसे मिलने आ सकता है, जो आपके लिए कोई उपहार भी लेकर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी, आज आप सबके हित के बारे में सोचेंगे। आज के दिन एक लक्ष्य पर चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको छोटी दूरी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। भाई व बहनों से चल रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त करनी होगी तो ही आपके लिए बेहतर होंगी। यदि आप किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो उसमें भी आप आगे बढ़ेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। यदि आपने अपने कामों में सूझबूझ दिखाई तो वो लंबे समय तक जो है लटक सकता है। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक मामलों में आप विनम्रता बनाए रखें। यदि आपको किसी की कोई बात बुरी लगे तो भी आप उसे ना कहें, किसी को भी ना कहें। नए वाहन को आप खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। जो लोग विदेश की यात्रा जाने की सोच विचार कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन कोई अच्छा अवसर लेकर आ सकता है। जी हाँ, आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ उपहार खरीद सकती हैं। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के मार्ग प्रस्त होंगे। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन उन्नति दिलाने वाला रहेगा। आपका कोई मित्र आज आपके घर दावत पर आ सकता है। आपको कार्यक्षेत्र में किसी गलती को दोहराने से बचना होगा, नहीं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आप बार बार एक ही गलतियां करते हैं, जाने अनजाने में वही गलतियां कर देते हैं जो गलतियां आप नहीं करना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको सावधान और सतर्क रहने की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी बहुमुखी प्रतिभा से भी कोई आपको लाभ होगा और आज के दिन आपके लिए कुछ मित्र आपकी समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप किसी से बहुत ही तोल मोल कर बोले, नहीं तो किसी बात पर वाद विवाद खड़ा हो सकता है। माता पिता की सेवा में आप जो है दिन का कुछ समय व्यतीत करेंगे जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपकी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि दिलाने वाला समय रहेगा। धार्मिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी से आप संतान के भविष्य संबंधित कुछ योजनाओं के जो है बनाने के बारे में बातचीत कर सकते हैं। आपको परिवार में यदि किसी सदस्य की कोई बात बुरी लगे तो आप उसे अवश्य कहें। विद्यार्थी अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर थोड़ा सा परेशान रहेंगे, लेकिन दोस्तों परेशानी इनका समाधान नहीं है। जी हाँ, अगर आप इनका समाधान ढूंढेंगे तो आपको समाधान जरूर मिलेगा। उसके लिए आपको अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी, तभी इसका समाधान मिलेगा। आप अपने परिजनों के प्रति प्रेम व स्नेह बना रहेगा। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको कार्य क्षेत्र में अपनी बुद्धि व विवेक से ही कोई निर्णय लेना बेहतर रहेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपकी पूरी रुचि जागृत होगी। आपको कुछ पुण्य कार्य को लेकर करने का भी मौका मिलेगा। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि उनको व्यवसाय संबंधित कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ, आप अपने वरिष्ठ सदस्यों से पूछकर ही निवेश करें तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। जी हाँ, बहुत जरूरत है आपको सावधान और सतर्क रहने की, क्योंकि दोस्तों आपको कोई शारीरिक कष्ट आज आपको परेशान कर सकता है। यदि आपने किसी को धन उधार दिया हुआ था तो उससे नरमी से पेश आए, वरना आपका वह धन फंस सकता है।
जी हाँ दोस्तों, परिवार के सदस्यों में चल रहे आपसी वाद विवाद में दोनों पक्षों की सुनना ही बेहतर रहेगा और कोई निर्णय लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। निजी मामलों में आप अपनी रुचि बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत और लगन से अधिकारियों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे, लेकिन प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना है जिससे कि एक दूसरे को बुरा लगे, नहीं तो दोस्तों आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। जी हाँ, अगर आज के दिन आपको कोई मौका मिले तो आप उस मौके को जाने मत देना, क्योंकि दोस्तों ये मौका आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है और ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी सोच से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपकी वाणी की मधुरता आज आपको मान सम्मान दिलवाएगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, आपको इतना ध्यान रखना है कि अत्यधिक लाभ के चक्कर में छोटे मोटे अवसरों को हाथ से जाने नहीं देना। जी हाँ, और कार्यक्षेत्र में आप अपने कामों से अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिससे लोग आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। लड़ाई झगड़े के आसार बन रही है, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। लोग बेवजह आपसे उलझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आज आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपकी कामयाबी आपकी तरक्की एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे सिचुएशन में लोग आपसे जलने की कोशिश करेंगे और बेवजह बात विवाद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जितना सावधान रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए धैर्य बनाए रखने के लिए रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके कुछ शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, जी हाँ, लेकिन वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएंगे। यदि किसी से कोई वादा करें तो उसे समय पर पूरा करें। आपको लेन देन के मामले में अपनी बात को लोगों के सामने रखनी होगी, नहीं तो वो आपको झूठा साबित कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, न्याय मामलों में आज आप थोड़ी सावधानी बरतें और जिम्मेदारियों से किसी भी काम को करना आपके लिए बेहतर रहेगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद मुलाकात करने आ सकता है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जी हाँ, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। किसी बड़े लक्ष्य को पकड़कर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा और उसी में आपको सफलता मिलेगी। आप कुछ वरिष्ठ जनों से मिलकर अपनी किसी समस्या का हल आसानी से निकाल पाएंगे। जी हाँ, कारोबार कर रहे लोग अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। जो लोग किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो किसी दुर्घटना होने के भय सता सकता है। जी हाँ दोस्तों, खासकर अगर आप खुद का वाहन प्रयोग कर रहे हैं तो जरा सावधानी पूर्वक चलिएगा, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको व्यवसाय में कुछ अच्छा लाभ मिले, आपका मन प्रसन्न रहेगा और नौकरी में कार्यरत लोगों की पद प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको कुछ महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। विद्यार्थी शिक्षा पर पूरा ध्यान दें और इधर उधर के कामों में ना लगें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा और किसी मित्र की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो कार्यक्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का पूरा लाभ उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है और आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी और कुछ धार्मिक गतिविधियों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे जिससे
आपकी साख चारों ओर फैलेगी। आपको एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप किसी बड़े लक्ष्य के चक्कर में किसी छोटे को हाथ से न जाने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साझेदारी में किसी काम को करने पर आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे आप अपने कुछ पुराने कर्ज भी उतारने में सफल रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आज आप धन कहीं इधर उधर निवेश करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो आज का दिन धन के निवेश ना करें, नहीं तो धन आपका डूब सकता है। जी हाँ, अगर आपने पहले अपना धन कहीं पर लगाया हुआ था या किसी को आपने उधार दिया था, तो वह धन आज के दिन आपको मिल सकता है। जी हाँ, उसके लिए आज आप तत्पर रहें। आज का दिन आपके स्वास्थ्य के मामले में कुछ कमजोर रहने वाला है, कुछ नरम रहने वाला है। जी हाँ, आप उसमें लापरवाही करने से बचें और अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें। जितना हो सके घर का ही बना हुआ शुद्ध भोजन करें, बाहर के फास्ट फूड से तो आप परहेज करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आप अपने कार्यक्षेत्र में कोई भी जोखिम भरा काम ना करें, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। जी हाँ, और आपके लिए एक सुझाव का स्वागत होगा, और अकस्मात लाभ मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, और सोच विचार करके आगे बढ़ें, और आपको अपने परिजनों का साथ मिलेगा और सहयोग भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप छोटे मोटे अवसरों को पकड़ कर चलेंगे तो आज आपको लाभ ही लाभ होगा। लेकिन आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है कि बड़े अवसरों के चक्कर में छोटे को नज़रअंदाज ना करें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आप बहुत से अवसरों को यूं ही हाथ से गंवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।